नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल कर आई है। एमपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश में इन छात्रों के लिए फिर होगी 12th की परीक्षा। तो मध्य प्रदेश में किन छात्रों के लिए फिर होगी 12th की परीक्षा, देखें पूरे न्यूज। एमपी बोर्ड 12th एग्ज़ाम जबलपुर। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड एक बार फिर से परीक्षाएं आयोजित कराएगा। दरअसल कोरोना लॉकडाउन के कारण परीक्षा नहीं देने वाले 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित कराने का मंडल ने निर्णय लेते हुए 20 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन जमा करने को कहा है। इधर संक्रमण की वजह से हायर सेकेंडरी दृष्टिबाधित मूक बधिर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए शेष रह गए विषयों की परीक्षा 9 से 16 जून 2020 तक आयोजित की थी, जिसमें कोरोना के कारण कहीं परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रह गए हैं। लेकिन जो छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे, उन्हें आगे ली जाने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए कारण सहित उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। कक्षा 12वीं की शेष परीक्षाओं से वंचितों की होगी विशेष परीक्षा। तो मित्रों, अब जो वंचित रह गए हैं उनकी एक विशेष परीक्षा होगी। बोर्ड अब विशेष परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में है, जिसके लिए ऐसे विद्यार्थियों से 14 से 20 जुलाई 2020 तक एमपी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बताया जाता है कि आवेदन के साथ आवेदकों को वंचित रहने का उचित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए बोर्ड ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन श्रेणियों के परीक्षार्थियों को मिलेगा अवसर। देखिए कौन कौन परीक्षा में बैठ सकते हैं। परीक्षा के समय में ऐसे छात्र जिनको कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और दूसरा है परीक्षा समय में उपचार के बाद स्वस्थ हुए हों पर क्वारंटाइन अवधि अपूर्ण रही है,